फिलहाल रुख करांगे अगली खबर का। फरीदकोट जिले के सरकारी दफ्तर च हुण टी शर्ट और जीन्स यानी कि इनफॉर्मल ढंग के नाल ड्रेसअप होकर नहीं आ सकेंगे मुलाजम, यह आदेश जारी कर दिए गए हैं फरीदकोट डिप्टी कमिश्नर वालों। जी हाँ, जीन्स टी शर्ट यानी कि फॉर्मल कैजुअल नहीं आ सकेंगे, फॉर्मल पा के आना होगा। दफ्तर के मुलाजम सिर्फ फॉर्मल ड्रैस पा के आएंगे। डीसी वालों यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश की एक कॉपी तुम अपनी टीवी स्क्रीन के उपर वेख पा रहे हो। दफ्तर सरकारी दफ्तर अक्सर वेख्या जाता है कि कई बार अमूमन जीन्स टी शर्ट पा के एम्पलॉयज आते हैं, पर फरीदकोट डिप्टी कमिश्नर वालों हुण नवे हुक्म जिहड़े जारी किए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्स पा के ही दफ्तर आना है। अल्ट्रा कारपोरेट लुक जी है वो फॉलो की जाएगी, जा ड्रैस कोड फॉलो किया जाएगा। यह आदेश जो विखाई दे रहा है कि फॉर्मल ड्रैस के ही एम्पलॉयज ऑफिस के दाखिल होंगे, दफ्तर चाहे इस लैके वक्त ढंग तरीकों के प्रतिक्रम आने लाजमी ने। साडे सहयोगी अमनदीप जुड़ चुके हैं इसे खबर के होर अपडेट देने के लिए। अमनदीप, वाकई ची यह फैसला डीसी वालों जो जारी किया गया कि सिर्फ फॉर्मल ड्रैस पानी होगी, कि सही कि गलत, की मुलाजमान का कोई रिएक्शन आया? देखो फिलहाल अमित, जिहड़ा फरीदकोट जिले के डिप्टी कमिश्नर रवनीत कुमार वालों एक लिखती ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अधिकारी से कर्मचारी जिन्हें भी है सरकारी दफ्तर के टी शर्ट से या जीन पा के नहीं आएंगे, तो इस गल को लेके जिहड़ा हजे प्रतिक्रम हैगा वो तो हजे देखने को मिलना है, और मुलाजम कितनी गल मानते हैं वेखना बाकी है। पर जिथे तक गल करती है भी वह क्यों उन्होंने ऑर्डर की है, क्योंकि पब्लिक जी दफ्तर के पहन कपड़े यहोजे जे पहनने के नाल वह कहते भी माड़ा प्रभाव पैंदा, इंप्रैशन माड़ा जाता है पब्लिक के उत्ते, तो कि ना कि जाके फरीदकोट जिले के जे ऑर्डर किए अपने आप के पहले ऑर्डर है, हम यह कि इंप्लीमेंट करते हैं, किन्ने मुलाजम इन्हों मानते हैं, यह वेखना हजे बाकी होगा। बेहद शुक्रिया अमनदीप, सारी जानकारी साढ़े दर्शकों तक पहुँचा दी। तो वाकई जी एम्पलॉयज के मुलाजमान के रिएक्शन आने हाले भी बाकी है, पर डीसी साहब वालों एक वखरा अपने तरह का पहली बार ऑर्डर जारी किया गया कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ड्रैस पा के दफ्तर आना होगा। जीन्स टी शर्ट के उपर पाबंदी लगा दी गई है फरीदकोट डीसी वालों।